आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे थाना प्रभारी रामायण सिंह। घरों में कैद हुए लोग पसरा सन्नाटा। मास्क के बिना जा रही महिला को समझाती महिला पुलिसकर्मी। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से है। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए थाना प्रभारी रामायण सिंह उतरे सड़क पर। थाना प्रभारी का असर रानी की सराय थाना क्षेत्र में पूरा दिखा। शनिवार को बाजार से लेकर ग्रामीण इलाकों की बाजारों, गलियों व मोहल्लों में सन्नाटा पसरा रहा। आवश्यक वस्तु, दूध, सब्जी, फल व दवा की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहे। बिना कार्य व बिना मास्क के सड़क पर घूमने वाले लोगों पर रानी की सराय थाना प्रभारी रामायण सिंह द्वारा कार्रवाई करते हुए बिना मास्क एवं बिना हेलमेट घूमने वालों की चालान की गई। वहीं थाना प्रभारी द्वारा लगाए गए पुलिस के वाहन लॉकडाउन की घोषणा करते हुए लोगों को घरों में ही रहने की अपील करते रहे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव व सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के चलते रानी की सराय थाना क्षेत्र के गली मोहल्लों में सन्नाटा पसरा रहा। बिना मास्क व कार्य के घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई की गई। रानी की सराय थाना क्षेत्र के बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। वहीं लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए थाना प्रभारी रामायण सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक संजय सिंह, कांस्टेबल दीपू सिंह, कांस्टेबल प्रवीण सिंह, कांस्टेबल रमेश कुमार, महिला कांस्टेबल भारती सिंह, प्रियंका तिवारी आदि पुलिस प्रशासन रानी की सराय कोटिला रोवा शहीद वारा पैदल गश्त व चेकिंग अभियान चलाया गया। रानी की सराय थाना प्रभारी रामायण सिंह रानी की सराय थाना क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहने की अपील की। थाना प्रभारी लोगों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन में 3 मंत्र सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर है, इसका पालन करें। घरों से बाहर न निकलें, केवल आवश्यक कारणों से ही बाहर मास्क लगाकर निकलें। इंडिया पावर न्यूज़ के लिए आजमगढ़ से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज की रिपोर्ट।